कुछ लोगों ने संविधान विरोधी कार्य किया इसी भोपाल के अंदर, क्योंकि ये मध्य प्रदेश है, यहाँ अन्याय अत्याचार की घटनाएं भी चरम सीमा पर है। जाति के नाम पर हत्या, मुकदमे ना लिखे जाना, लगातार शोषण जितना भी हो सकता है। मैं कुछ गांव में गया यहाँ के, तो मैंने देखा वहां रास्ते तो बहुत दूर की बात है, वहां लोगों के चलने के लिए पगडंडी नहीं है, रास्ता तो बहुत चौड़ा है, लेकिन पूरे रास्ते में नाली का पानी भरा हुआ है। एक वो वर्ग जो सदियों से मेहनत करता है यार, वो सदैव शोषित पीड़ित रहे कहां है, और मुझे ये लगता है कि अगर हम लोग ना सुधरे तो आने वाले समय में भी हो सकता। जिसको बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा 90% बता के गए, साहब काशीराम साहब 85% बता के गए, जहां एक विशेष थ्योरी दी गई बहुजनों की थ्योरी, ये बहुजन वही है और कहां भाग रहे जो यहाँ का मेहनत का समाज है। यहाँ 2 अप्रैल भी हुआ, भारत में सबसे ज्यादा शहीद होने वाले वालों की संख्या मध्य प्रदेश की है। यहाँ राजनीतिक लोग भी है, सब लोग, लेकिन जब भी समाज के ऊपर हो रहे अन्याय अत्याचार की बात आती है तो सब लोग राजनीति बस मौन हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं, उनके मुंह बंद हो जाते हैं। ये आह्वान आप लोगों के लिए इसलिए किया गया है कि ये बताया जाए कि उस समय जब बाबा साहब अम्बेडकर काम कर रहे थे तो उन्होंने भी कहा था, मिस्टर गांधी अगर 20वीं सदी आपकी है तो 21वीं सदी यहाँ के मेरे लोगों की होगी, बहुजन समाज के लोगों। हमने शिक्षा ग्रहण की, हम मजबूत हुए, व्यापार किए, धीरे धीरे आगे बढ़े। उस समय बाबा साहब ये कहकर जा रहे हैं 21वीं सदी मेरे लोगों की होगी, ये बताना जरूरी हो गया। हटा दूंगी पर लोग आंदोलन करते हैं, सरकार भी उनके पक्ष में उतर जाती है। अब ये भी बताना जरूरी है कि हम संविधान को मानने वाले अनुशासित लोग हैं। अनुशासन कैसा कि कल यहाँ पूरे मध्य प्रदेश के कोने कोने से बहने भी आएंगी, बुजुर्ग भी आएंगे, भाई भी आएंगे, सब लोग आएंगे। आपको खुद उनकी जिम्मेदारी निभानी है। आप जहां बैठेंगे वहां ये ध्यान रखेंगे अपने आसपास के चारों ओर कि यहां पर कोई व्यक्ति गलत तो नहीं है। जब भी आपको ये लगे कि ये व्यक्ति गलत है तो आपको ना उसे कुछ कहना है, पास खड़े हुए वॉलंटियर को सूचना करनी है कि सर ऐसी सी बात है, ये व्यक्ति हमें संदिग्ध लग रहा है, इसकी जांच कीजिए कौन है। ये जिम्मेदारी आप सबकी है, कार्यकर्ताओं की सबकी जिम्मेदारी है। ये आंदोलन सफल होगा, ये तय है सफल होगा, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर कह के गए। हम सब इस आंदोलन के सूत्रधार हैं। जितने लोग यहाँ हैं, जो लोग कल आएंगे यहाँ से या और जगह से भी आएंगे, हम सब लोग इस आंदोलन के सूत्रधार हैं। लेकिन अगर हम अनुशासन स्थापित करने में नाकामयाब हुए तो वो लोग जो सदियों से शोषण करते आए हैं वो ये सोचेंगे और कहेंगे कि इनके अंदर ये बड़े बड़े महापुरुष पैदा हुए, इनके पूर्वज ये बताता है कि बहुत मान रहे, लेकिन ये लोग अनुशासन नहीं बनाते। तो आप सबकी जिम्मेदारी ये बनती है कल के लिए कि अपने इस आंदोलन को अपना समझकर सब लोग अनुशासित तरीके से बैठने का स्थान देंगे, बिठाएंगे, किसी को आवश्यकता होगी तो उसकी आवश्यकता की पूर्ति करेंगे। मैं मानता हूँ कि हमारे पास संसाधन कम है, संसाधन का सीधा मतलब है पैसा हमारे पास है नहीं, मैं मानता हूँ इस बात। मैं ये भी मानता हूँ कि यार कुर्सियों की व्यवस्था उनके दिन नहीं कर पाए, चलो बैठो नीचे काम कर पा सकते हैं। मैं ये भी मानता हूँ कि हो सकता है कि कल कुछ लोगों को पानी ना मिले,
हो सकता है खाना ना मिले, हो सकता है ये बात, ये बात हो सकती है। लेकिन ये आंदोलन, ये आंदोलन उनका ही आंदोलन है, उन्होंने सदैव भूखे प्यासे रह करके इस आंदोलन को चलाया। मैं जब महान शख्सियत का नाम लूं तो तथागत गौतम बुद्ध ये पैर चलते थे, प्रचार करते थे, नहीं पता था कहीं खाना मिलेगा नहीं। मैं नाम लूं सतगुरु रविदास जी का, मैं नाम लूं संत कबीर का, मैं नाम लूं गुरु नानक देव जी का, मैं नाम लूं गुरु घासीदास जी का, ऐसे तमाम नाम है तमाम, कि जिन्होंने ये आंदोलन नंगे पैर भूखे पेट रह करके चलाया। जब वो लोग भूख प्यास की तरफ सहकर इस आंदोलन को चला सकते तो मुझे ये महसूस होता, महसूस का मुझे विश्वास है कि हमारे लोग भी इस आंदोलन को भूखे प्यासे रहकर चला सकते हैं। बाबा साहब अंबेडकर जब विदेश पढ़ रहे थे पैसे नहीं होते थे, एक ब्रेड का टुकड़ा खा लिया, कभी एक रोटी मिल गई वो खा ली, बहुत कम खाना खाकर अपना जीवन यापन किया। ये दर्द हमें समझना होगा। वो 13 अप्रैल में जो वाइस शहीद हुए हैं, तो माफी चाहूंगा 2 अप्रैल में जो वाइस शहीद हुए हैं उनका दर्द हमें समझना होगा। लेकिन हाथ जोड़कर यही निवेदन है, अपने जो भी साथी आ रहे हैं सबको फोन करें कि सब अनुशासन में आए, शांति से आए, या सुने इस आंदोलन को कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे लड़ना है, संवैधानिक लड़ाई कैसे लड़नी है। बाबा साहब अम्बेडकर एक ही अधिकार देकर गए हैं जिसका नाम संविधान है। तो संविधान के अंदर ही हमारे सारे अधिकार निहित हैं, और आज उस संविधान पर तलवार लटकाए हुए हैं कुछ लोग जो ये कहते हैं कि वो सूरवीर और सूरमा है, जो ये कहते हैं कि ये व्यवस्था देश की व्यवस्था उनकी जागीर है, जो ये कहते हैं वो यहाँ के मालिक हैं। उनको ये बताना कि यहाँ की जल जंगल जमीन के रखवाले, यहाँ सड़क नदियां नहर खोद करके ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनाने वाले, यहाँ रात दिन मजदूरी करने वाले, खेती करने वाले, वो इस देश के मालिक हैं। ये देश सही मायने में किसी का तो ये देश उनका, ये भारत का इतिहास कहता है। हमारी लड़ाई किसी जाति किसी धर्म के व्यक्ति से नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हमारी लड़ाई है अन्याय अत्याचार शोषण और गैर बराबरी के खिलाफ। वो गैर बराबरी कि एक गांव में आप जाएं, एक व्यक्ति पर 100 बीघे जमीन है और एक व्यक्ति पर रहने के लिए 10x10 का कमरा भी नहीं, वो गैर बराबरी। वो गैर बराबरी कि शहरों में भी देखें कि हमारा व्यक्ति सुबह 4 बजे उठकर झाड़ू लगा रहा है, तनख्वाह उसको 5,000, 7,000, 10,000 मिल रही, वो गैर बराबरी। वो गैर बराबरी कि सड़क के एक ओर ऊंची ऊंची इमारत है और सड़क के दूसरी ओर टूटे फूटे झोपड़े, वो गैर बराबरी कि एक वर्ग आराम से एसी में बैठ करके खाना खा रहा है, रोटी मिल रही है, खाना है, खा रहा है, खा रहा है, वरना बच्ची को ठग दे रहा है, और एक वो वर्ग जो सुबह से शाम तक मेहनत करके भी कुछ हासिल नहीं कर पा। ये हमें समझना है, ये हमें यहां से लेकर जाना है। खास बात कि बाबा साहब अंबेडकर 20वीं सदी में ये बात क्यों कहकर गए, क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर जहां तक मैंने उनको पढ़ा है, जहां तक मैं उनको जान चुका हूं कि बाबा साहब अंबेडकर भविष्यवाणी करने वाले व्यक्ति नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि 21वीं सदी मेरी। किस लिए कहा? उन्होंने इसलिए कहा कि जब मेरे लोग पढ़ लिख कर आगे की ओर बढ़ेंगे तो ये वोट की कीमत भी समझेंगे कि वोट क्या चीज है। वोट की कीमत नहीं समझ पाए, हमने सिर्फ वोट देना, सरकार बनाना और सरकार गिराना समझ लिया है। नहीं, कहीं ना कहीं अगर इस गैर बराबरी का कोई कारण है तो वोट भी। हमें वोट की कीमत समझनी है कि वोट की कीमत क्या, हमें संगठनिक रूप से कैसे मजबूत होना, ये कल हम समझेंगे। संगठन में बड़ी ताकत होती है, हम यहां सब लोग खड़े हैं, ये संगठन की ताकत है, ये किसी एक अकेले व्यक्ति की ताकत नहीं है, ये भीम आर्मी संगठन की ताकत है और अन्य सामाजिक संगठनों की ताकत है कि आज हम सब लोग एक साथ इकट्ठे होकर अपने इस आंदोलन को चला रहे हैं। ये आंदोलन भारत के इतिहास का ऐतिहासिक आंदोलन बनने जा रहा है।
यह आंदोलन ऐसा होगा कि जब कभी इतिहास लिखा जाएगा तो 2 अप्रैल के बाद किसी आंदोलन का नाम आएगा तो भोपाल में आपके द्वारा किया गया यह संवैधानिक आंदोलन। मेरी तो बस इतनी गुजारिश है कि अगर आपने कल का अनुशासन संभाल लिया, सभी कार्यकर्ता पदाधिकारियों ने अपनी जिम्मेदारी संभाल ली, कार्यकर्ता पदाधिकारी कौन ये भी समझिए, कोई जाति विशेष वर्ग का व्यक्ति नहीं, कोई विशेष धर्म का व्यक्ति नहीं या कोई विशेष कैटेगरी का व्यक्ति नहीं, वो बहुजन समाज जिसके लिए आंदोलन हजारों साल से चला आ रहा है, जिसमें SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोग हैं, उन सबको अपनी कल जिम्मेदारी समझनी है, मजबूती से समझनी है और ये बताना है, बिल्कुल बताना है कि हम इस देश में, मध्य प्रदेश में, भोपाल में और भोपाल के एक ऐसे एक छोटे से छोटे गांव में कमजोर नहीं है, मजबूत लोग। कल आपकी दिशा दशा तय करेगी कि जो लोग संविधान पर प्रहार कर रहे हैं, जो कभी किसी आर्टिकल को छेड़ते हैं, कभी किसी आर्टिकल को छेड़ते हैं, कभी OBC आरक्षण को छेड़ते हैं, कभी SST एक्ट को छेड़ते हैं, उनको ये बताना कि ये अधिकार बहुत मुश्किल से हम लोगों को मिले हैं, इन अधिकारों को इतनी जल्दी हम जाया नहीं होने देंगे, इन अधिकारों के लिए हम लड़ेंगे, मजबूती से लड़ेंगे, आंदोलन करके लड़ेंगे, सड़कों पर उतर कर लड़ेंगे, तुम अपनी जेल के मुंह बड़े करो, हम जेल भी जाएंगे लेकिन लड़ेंगे। लड़ाई का मतलब भी समझिए, आज लड़ाई का मतलब गलत दिशा की ओर ले जाना हो गया है, लड़ाई का मतलब वो नहीं कि लाठी डंडी उठाए और सड़कों पर खड़े हो गए लड़ने के, नहीं, लड़ाई का मतलब वो होता है कि अपने अधिकारों के प्रति संवैधानिक व्यवस्था के तहत अपनी उपस्थिति दर्ज कराई जाए और बताया जाए कि हम किस तरीके से लड़ाई लड़ना चाहते हैं, हम इकट्ठा होंगे, अपनी जनसंख्या के अनुपात में इकट्ठा होंगे और बताएंगे कि हमें इस देश में, जो देश लोकतांत्रिक देश है, जिस देश में लोकतंत्र स्थापित है, इस देश में हम अपने अधिकार लेकर रहे हैं। एक बात का पीछे तो ध्यान रहे, मैंने चूंकि पहले ही कहा कि अपने साथियों को फोन कीजिए, उनको समझाइए कि कोई भी साथी सड़क पर खड़ा ना दिखे, जो साथी यहाँ आ गए हैं वो यहाँ बैठे, जो नहीं आए हैं उनको फोन करके सूचना कीजिए कि आप जैसे एंट्री करेंगे तो डायरेक्ट सब लोग आकर के पंडाल में बैठे, कोई अव्यवस्था कल नहीं होनी चाहिए, किसी कीमत पर नहीं होनी चाहिए, उनको भी पता लगे कि बाबा साहब अम्बेडकर इसलिए कहकर गए थे कि 21वीं सदी मेरी हो, ये लोग अनुशासन के पक्के लोग, जो लोग अनुशासित होते हैं वही शासन की परिभाषा जानते हैं, वही शासन भी स्थापित। बहुत सारे लोग हमें कहते हैं, प्रशासन भी कह देता है कि आपका कार्यकर्ता सड़क पर निकलता है और घूमता रहता है, तो कल प्रशासन को भी हमें गलत ठहराना है, उनको बताना है नहीं, हम सड़क पर खाली पीली नहीं घूमते, हम सड़क पर खाली पीली नहीं घूमते, हम अनुशासित लोग हैं, हम अपनी व्यवस्था अपनी जिम्मेदारी खुद समझते हैं, खुद जानते हैं, और भोपाल के जो आसपास भोपाल के जो लोग हैं कल वो अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाइएगा, खूब जिम्मेदारी से खड़े रहिएगा, पूरे दिन खड़े रहिएगा, किसी को किसी व्यवस्था की जरूरत हो उसके लिए खड़े रहिएगा, और ये मानिएगा ये आंदोलन आप चला रहे हैं, ये आंदोलन आपसे ये